दोस्तों, इस धरती पे कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप यहूदी हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, धर्म का पालन करें, कोई आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन वो बाद में, सबसे पहले आपका कर्म, सबसे पहले आपका हार्ड वर्क। क्योंकि हार्ड वर्क और कर्मा एक ऐसी चीज है जिससे आपका पेट पल सकता है, जिससे आपका घर चल सकता है, आपको रोजी रोटी मिल सकती है। लेकिन धर्म से सिर्फ आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो प्योरीफाई हो सकती है। तो पेट पालने के लिए हार्ड वर्क है, और हार्ड वर्क किसका है? शनि का। और सोल को प्योरीफाई करने के लिए जो वर्शिप, चैंटिंग है, भक्ति है, नमाज पढ़ना है, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ना है, या गीता का उच्चारण करना है, वो जुपिटर है, बृहस्पति है। तो अब शनि की जो लाइफ है ना, वो बड़ी स्ट्रांग है। शनि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अनबैलेंस वे से देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बोला है कि शनि या तो देते नहीं, अगर देते हैं ना तो वो हमेशा के लिए देते हैं। क्योंकि शनि की दी हुई गिफ्ट, शनि का दिया हुआ सौगात हर समय आदमी की ज़िंदगी में रहता है। अगर शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अगर आप शनि की क्रूर दृष्टि के हो, अंदर हो, तो आप कहाँ से कहाँ आ जाओगे, यानी कि डाउनफॉल आ जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आप अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज कराएं कि आपका शनि कैसा है, आपके बर्थ चार्ट में बाय बर्थ व्हेन यू वाज बॉर्न उस समय सैटर्न की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी थी। क्या शनि 7 नंबर में थे या 1 नंबर में थे, एरीज में थे, लिब्रा में थे, कैप्रिकॉर्न में थे, एक्वेरियस में थे, 9th हाउस में है, 10th में है, 11th में है, 3 में है, 6 में है, किस हाउस में है, तो वो जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लियो असेंडेंस एंड सैटर्न ट्रांजिट। आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ सिंह लगन का और शनि की वक्र अवस्था का, जो कि 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक शनि की वक्र अवस्था है। इस अवस्था में शनि आपके हॉरोस्कोप के 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे। बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 6th एंड 7th हाउस, सैटर्न रेट्रोग्रेड इन योर 6th हाउस। तो सबसे पहले उपचय भाव, शनि इज वेरी गुड, इज वेरी कंफर्टेबल इन 6th हाउस। मैंने पहले बोला 3, 6, 10, 11 में शनि हमेशा लाजवाब फल देते हैं। और सिंह लगन में शनि का 6th हाउस में आना, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि डायरेक्ट है तो आपके लिए टाइम थोड़ा स्ट्रगलिंग रह सकता है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है, या कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, या आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग इफेक्टेड हो सकती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है, आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे आप चाहते हो, क्योंकि शनि 6th हाउस में है और रेट्रोग्रेड है। आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, लेकिन फॉरन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, फॉरन रिलेटेड, क्योंकि वक्र शनि की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, जो कि फॉरन का है। कुछ ऐसा लियो सेंडस आपके साथ होने वाला है जिसमें आप विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या पीआर अप्लाई कर सकते हैं, या फॉरेन जर्नीज कर सकते हैं, जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी, या आपके पास खुद ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की होंगी या फॉरेन रिलेटेड ट्रेवल्स की होंगी। आप बिजनेसमैन हैं, आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, आप किसी किस्म का भी प्रोडक्ट फॉरेन में सेल करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। हो सकता है कि आप कोई फॉरेन में प्रॉपर्टी बाय कर लें, हो सकता है कि आप फॉरेन में किसी के साथ टाई अप करके कोई इन्वेस्टमेंट करें। ये सारा समय अगर शनि आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में है, आपके लग्न कुंडली में वक्र अवस्था में है, तो ये सारा समय आपके लिए उपलब्धियां लेकर आएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग लेकर आएगा। कंपिटिटर्स आपके सामने कुछ कर नहीं पड़ेंगे, कर नहीं सकेंगे, आपके सारे रुके हुए काम एकदम से क्लिक होंगे और आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। लेकिन अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि मार्गी है, तो ये समय आपके लिए कुछ डिले वाला है। काम आपको दिखेगा कि होने वाले हैं, लेकिन एट द एंड वो होंगे नहीं। फाइनेंशियल आप थोड़ा सा टाइट फील करेंगे, कैश फ्लो आपके पास ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आपका अगर शनि स्ट्रांग नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये सारा समय अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेगा। पीआर बिल्कुल अप्लाई ना करें, फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए बिल्कुल एफर्ट ना करें अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रांग नहीं है। अगर आपका शनि 3, 6, 10 और 11 हाउस में प्लेस्ड है, या वक्री भी है, और अगर वक्री नहीं भी है लेकिन 3, 6, 10, 11 हाउसेज में प्लेस्ड है और 6th हाउस में वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फॉरेन पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं, तो आपके कुछ जो यू नो एसेट्स होंगे या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज होंगी, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगी, जिसमें आपको कैश फ्लो मिलेगा।
देखिए शनि आपके बर्थ चार्ट में कैसा है ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। आप किसी भी अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं कि विस टाइप ऑफ शनि प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट, कहीं वो नीच के तो नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, शनि एरी साइन में तो नहीं है, फर्स्ट हाउस में तो नहीं है या एट्थ हाउस में तो नहीं है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप कोई भी बड़ा डिसीजन लें। बट ओवरऑल जिन लोगों के शनि वेल प्लेस्ड हैं, एग्जाल्टेड हैं, ऑन साइन में हैं या वक्री हैं, उनके लिए ये 140 दिन का टाइम स्पेम अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, रिवॉर्ड लेकर आ रहा है। अपना कर्म करते जाएं, फल आपको 100% मिलेगा। एक सॉन्ग है ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर इंसान, ये वही चीज, ये वही फॉर्मूला और ये वही टैग सैटर्न के ऊपर, शनि के ऊपर अप्लाई होती है। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, कर्मा करेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे, बेस्ट करेंगे, उतने ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट इन 140 दिनों में 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 के बीच आपको मिलेंगे। इस सारे समय में पीपल के नीचे एक दिया जगाएं, सरसों का तेल का दिया हो, उसके अंदर दो काले आप तिल डाल दें या कोई दो काले लौंग डाल दें, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर शनिवार को ये रेमेडी करें, सूर्य अस्त होने के बाद करें। शनिवार रात को मंदिर या गुरुद्वारा साहब के बाहर गरीब लोगों में कुछ बांटें, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है खाना बांट सकते हैं, खाना बांटे, चपाती, फूड, जो भी फ्रूट, जो भी आप अफोर्ड करते हो, लेकिन गरीब लोगों को कुछ ना कुछ आप डोनेट करते रहें। इस सारे समय में किसी के साथ झूठ ना बोलें, बंडलबाजी ना करें, किसी के साथ गलत कमिटमेंट ना करें, फॉल्स कमिटमेंट ना करें। सामने वाले के साथ अगर कोई डीलिंग करने वाले हैं तो उसकी नीयत को समझकर, उसके दिमाग को समझकर कोई डीलिंग करें, नहीं तो आपको किसी से चिटिंग भी मिल सकती है अगर आपका शनि बर्थ चार्ट में स्ट्रांग नहीं है तो। So Leo Sanders, you need to be careful while signing any document. You need to be careful while doing anything. ये सारा समय आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि स्ट्रांग है तो नो डाउट यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेंगे, पैसा मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, पुराने कर्जों से आप मुक्ति मिलेगी और आपकी एम्प्लॉयमेंट में आपकी तरक्की होगी, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे। लेकिन अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो आपके ऊपर कर्ज हो सकता है या आपको कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है, आप जॉबलेस हो सकते हो, सीनियर्स आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको रिजाइन देना पड़ सकता है, तो आपका चेंज ऑफ प्लेस ये मुझे बनता हुआ दिखता है। तो गाइस सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं कि आपके बर्थ चार्ट में शनि की क्या स्थिति है। उसके बाद 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक का ये जो 140 दिन का टाइम है, उस समय में अपनी लाइफ को प्लान करें। अगर आप फॉरेन पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट करना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, फॉरेन कंपनी खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को चेक करवाएं, क्योंकि ये समय फॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, फॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। लेकिन क्या आपके बर्थ चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में शनि की इतनी स्ट्रेंथ है कि ये अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल करो तो उसमें आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि ट्रांजिट तो एक हमारे लिए पॉजिटिव आ गया और हमने उस रास्ते को फॉलो भी कर लिया, लेकिन हमारे बर्थ चार्ट में प्लैनेट वीक है कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा ट्रांजिट वीक है लेकिन बर्थ चार्ट के प्लैनेट स्ट्रांग है या सैटर्न बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है और हमने वो रास्ता फॉलो नहीं भी किया, ऑटोमेटिकली हम सक्सेस पाथ पे पहुंच गए और हमें कामयाबी मिल गई। सो गाइस यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ सैटर्न प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट। आप शनिवार के दिन गरीबों के बीच कुछ ना कुछ बांटते रहें, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जगाएं, दो लौंग बीच में डाल दें, हर शनिवार ये करें, साथ में हनुमान जी के टेंपल में जाएं, ओम सीता राम चा हनुमते नमः का मंत्र जाप करते रहें, अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख के चलें। आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा डाउन हो सकता है, यहाँ पर हेल्थ को लेकर कुछ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल, नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल आपको इरिटेट कर सकती है। बट ओवरऑल फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन से रिलेटेड की गई कोई भी एक्टिविटी आपको लाभ वांछित करेगी, या हो सकता है कि आपकी किसी के साथ फॉरेन में पार्टनरशिप हो जाए जो आपके लिए आने वाले समय में तरक्की के रास्ते खोलेगी। ये सारा समय आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स का है अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि 3, 6, 10, 11 में प्लेस्ड है तो। सो गाइस अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे जानें कि आपके हॉरोस्कोप में शनि की क्या प्लेसमेंट है और अपना कर्म करते जाएं, अपना बेस्ट करते जाएं, दुनिया की परवाह ना करें, बस अपनी ऑनेस्टी के साथ अपने रास्ते को फॉलो करें। यू विल डेफिनेटली अचीव लॉट ऑफ गोल्स एंड लॉट ऑफ माइलस्टोन ड्यूरिंग सैटर्न रेट्रोग्रेशन। सब कुछ आपको मिलेगा लेकिन कुछ स्ट्रगल के बाद, कुछ डिले के बाद यू विल गेट एवरीथिंग, बट आफ्टर सम डिले, आफ्टर सम स्ट्रगल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।